हाँ, या ऐसा भी बेबाकी की होता सजा हमको मिली। 4 दिन मुझे किडनैप कर लिया था, रखा बंद किया, तो मेरे साथ कुछ नहीं, सिर्फ पूछते थे कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैं लिखने के लिए ही जिंदा हूँ। अगस्त 90 में मैंने एक मजमून लिखा अखबार में, किसी मिलिटेंट साहब के गुस्ताखियों के बारे में। मैं एक बड़ा मजमून लिखा था, जो चुप रहेगी जुबान एक खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। वो आ गए मेरे ऑफिस में, वो लोग बंदूक वाले, उन्होंने कहा ये मजमून आपने क्यों छापा, इसकी तरदीद करो, कंट्रडिक्ट करो ये आर्टिकल। मैंने कहा कंट्रडिक्ट मैं नहीं करूँगा, आप इसके कंट्रडिक्ट में खुद लिखो, मैं छापूंगा अपने शुमारे में, ठीक है। वो नहीं लिख पाए। ऐसा करने के बजाय उन्हें रात के 12 बजे मुझे मारने के लिए उन्हें धमाका किया मेरे प्रेस में, और मेरा प्रेस उड़ गया, जो लिथु प्रेस था वहां से मैं अखबार छापता था। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। आज क्या वो उस तरह से काम कर पा रही है? एक बहुत बड़ा सवाल। कहा जाता है कि पैनी नजर अगर पत्रकार की हो तो उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता, चाहे फिर वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई घपला हो या आम जन के साथ कोई गलत कार्य हो रहा हो। क्या आज जो भी ये सब हो रहा है ये कलम से लिखा जा रहा है या माइक के आगे बोला जा रहा है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। पत्रकार क्या अपना काम उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो कितने परसेंट, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी क्या वजह है जिसके कारण जो है ये सब सामने आ रहा है। मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि काफी सालों से पत्रकारिता कर रही है, अपना एक अखबार भी है, और आखिरकार कितने ज्यादा आर्टिकल्स वो लिख चुके हैं अपने, अगर बात की जाए तो एक बुक भी लिख चुके हैं, एक बुक है या कितनी बुक है ये भी बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, कश्मीर से हैं, और कश्मीर का इस तरह किस तरह से देखते हैं ये भी जानेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस समय कि पत्रकारिता किस तरह से चल रही है? क्या पत्रकार को इतना ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लिख सकता है, उसको कहीं रोका टोका नहीं जा रहा, और जो बोलना चाहता है वो बोल पा रहा है? बड़ा फर्क है आज और उस जमाने में, आज के जमाने में बड़ा अंतर है। जब हमने शुरू किया था लिखना, बड़ी आज़ादी के साथ हम लिखते थे, और आम लोगों की जो भावनाएं थी, आम लोगों की जो ख्वाहिशात थी, आम लोगों को जिन मसाइल का सामना होता था, बड़े छोटे मसाइल होते थे, वो बड़ी बेखौफी के साथ अखबारों में छपता था। आज की डेट में ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। आज खौफ भी है, और कई ऐसे वाकात हुए हैं जिसकी वजह से आज का अखबार नवीस जुरत और बहादुरी के साथ नहीं लिखता है, जबकि अखबार नवीसी जुरतमंदी का नाम है, बहादुरी का ही नाम, बेबाकी का ही नाम। आज नहीं, जैसे आज ऐसी चीजें आपको नजर नहीं आती, ना हम आज लिख सकते हैं, न शायद कोई और भी लिख सकता। सज्जाद साहब, आपने एक बात कही कि खौफ बहुत ज्यादा है। किसका खौफ है? कौन रोकता है, कौन टोकता है? पत्रकारिता कब किसके रोकने से रुकी है? कब कौन मना कर देगा कि नहीं रुक जाइए मत लिखिए? कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर में सहाफत का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कश्मीर में जब एक ऐसा दौर आया, बंदूक का दौर हम उसको कहते हैं, बंदूक की हुक्मरानी का दौर कहते हैं, उस जमाने में भी लोगों ने कलम को अपने ही ताबे बनाया, आज़ादी कलम की उसी रोह से खत्म हो गई, और आहिस्ता 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 ये सिलसिला बढ़ता गया। अब आज जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं करूँगा, अब जो यहाँ जम्मू कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, या हम ये कहेंगे कि आर्टिकल 370 वगैरह, ये कॉन्स्टिट्यूशन था, एक ऑनर था जम्मू कश्मीर को। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके खिलाफ जो कुछ हुआ 5 अगस्त के बाद, जो कुछ भी हुआ, उस पर भी कोई
बहादुरी के साथ या जरूरतमंदी के साथ नहीं लिख सकता है। आज किसी अखबार को दिखाइए क्या कोई लिखता है, हाँ प्रेस नोट छपते हैं, प्रेस नोट छापना कोई बड़ी बात नहीं। पहले ज़माने में भी ये जब मिलिटेंटों का दौर था तो अखबारों में बड़े बड़े प्रेस नोट आते थे, लेकिन आवाम की आवाज़ उस रोज़ भी दब चुकी थी। सर मैं एक चीज़, एक मंच कहते हैं कि लिखा नहीं जा रहा, मैं अगर बोलूँ कि आपको 5 अगस्त 2019 के बाद का जो माहौल है वो आपको बताना है, और शायद इसको कोई काटेगा नहीं, आम जनता इसको सुनेगी, आप क्या लिखेंगे अगर आप कोई लिखना हो या आपको बोलना? अगर हम ये लिखें, हाँ ये हम ये लिखेंगे, ज्यादती है जम्मू कश्मीर के साथ, ज्यादती है, ये आप भी मानते हैं और दूसरे लोगों को भी एहसास है इस बात का, जम्मू का हो कश्मीर का हो लद्दाख का हो, एक ज्यादती है, साल साल से एक रियासत रही है हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के उस वक्त के लीडरों ने इसको आइन में रखा है 370 को, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं रखा, हिंदुस्तान के लोगों ने इस दफा को हिंदुस्तान के साथ रिश्ते के तौर पर रखा है। अब इसको अचानक इसको खींच लेते हैं, वापस लेते हैं, इसके बाद नेचुरली कुछ ऐसे नाराज़गियाँ पैदा हो गई आवाम में, उन नाराज़गियों को अखबारों में अखबारों की जीनर बनाना बड़ा मुश्किल है, नहीं लिख सकते। आखिरकार ऐसा क्या वजह होगी, क्या कारण होगा जिसकी वजह से आज अखबार में कोई अपनी मन की बात नहीं लिख सकता? एक समय था जब बिना खौफ के कोई लिखता था, बट आज ये है कि अगर कुछ बोला गया या कुछ लिख दिया गया, क्योंकि पीछे हमारे एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, उनकी डेथ हुई थी, क्या आज इस बात का डर तो नहीं है? नहीं, मैं आज ये बताऊंगा, यहाँ जम्मू से कश्मीर टाइम्स अखबार छपता था, जम्मू से कश्मीर में उसको ज्यादा पढ़ते थे लोग, क्योंकि वो कश्मीरी आवाम के भावनाओं को अखबार में लाता था, वहाँ के ख्वाहिशात, वहाँ के लोग, वहाँ जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी ना पिछले कई सालों से, कश्मीर टाइम्स उसको खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट करता था, इसलिए श्रीनगर लाल चौक में वहाँ के मुकामी अखबार ग्रेटर कश्मीर के मुकाबले में कश्मीर टाइम्स ज़्यादा लोग पढ़ते थे, इसलिए कि वो कश्मीर के लोगों की वो आज पेशनिस्ट थी, ख्वाहिशात थी, उनकी ज़रूरतों को उजागर करता था अखबार। तो आज उस अखबार की भी जबान समझो तकरीबन बंद है, सर्कुलेशन भी घट गई। आज किसी अखबार को दिखाइए कि वो इस बात पर प्रोटेस्ट करे कि 5 अगस्त को जो ज्यादती हो गई जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कोई अखबार ने नहीं है, देखो कोई नहीं रोकने वाला, क्या खौफ, जब खौफ है तो खुद ब आदमी खुद ब खुद रोक जाता है। बड़े बड़े अखबार तो खैर ऐसे ही इश्तहार, सरकारी इश्तहार के वो इश्तहार बन गए अखबार। इस समय सबसे बड़ी बात जब ये कहा गया कि यूटी बन गई, अब यहाँ पर किसी का भी, पहले कहा जा सकता था कि किसी चीज़ का बोलबाला होगा, किसी मंत्री का बोलबाला हो सकता है, पर अब किसी मंत्री का बोलबाला यहाँ पर नहीं है, सीधे सीधे हम केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हम केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, तो मतलब हमें किसी चीज़ की चिंता की जरूरत नहीं, अब हमें किस चीज़ का खौफ है? केंद्र सरकार के साथ जुड़ने के बाद यहाँ कोई तब्दीली आनी चाहिए थी ना जम्मू कश्मीर में, वो अभी तक नजर नहीं आई। गवर्नर बदलने से तब्दीली आती है। अब देखो आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है चलाता कौन है? पहले जमाने में अगर आपको कोई काम होता था तो आप जान पहचान का वाला आदमी होता था, सेक्रेटरेट में मंत्री होता था या कोई कमिश्नर होता था। आज आप जाइए सेक्रेटरेट में, आपको कोई पहचानता नहीं है। केंद्र सरकार के साथ हमारा रिश्ता कायम करने के बाद अगर लोगों में कोई राहत आई है, कोई बताए कौन सी राहत? लोग सेक्रेटरी जाने से डर जाते हैं, लोग दफातर में जाने से डर जाते हैं, क्योंकि उनका वहाँ काम नहीं होता। यहाँ एक कस्टोडियन का दफ्तर है बाहर इस दफ्तर के करीब, वहाँ लोगों का बड़ा रश होता था। मैंने पिछले दिनों उस तरफ जाने की कोशिश की, मैंने कहा कोई अंदर जाता है कोई न जाता है न कोई आता है अंदर जाने। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों का या तो गला खुद ब खुद खुशक हो गया है या उनका गला घूंट दिया गया है, बात नहीं कर पाते हैं, काम ही किसी का नहीं हो रहा है। और डेवलपमेंट विकास की जो बात करते थे वो लोग आज कहीं नजर नहीं आए। जम्मू में
जब पिछले साल हम जम्मू आए, यूनियन टेरिटरी नहीं बनी थी, कंस्ट्रक्शन का सिलसिला चल पड़ा था। आज बड़ी मुश्किल से एक दो जगह हम देखते हैं कि हाँ कोई मकान बन रहा है। वो जो पिछले साल आधा मकान रहा था अधूरा, इस साल उस मकान को पूरा कर रहे हैं। ओवरऑल जो हम देखते हैं एज ए सहाफ़ी, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट और अखबार वाले को तीसरी आँख कहा जाता है, हम जो देखते हैं कोई खास राहत की बात नज़र नहीं आती, ना दाई नज़र आती है ना बाई नज़र आती है। आपको काफ़ी समय हो गया पत्रकारिता जी, आपने काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को देखा है, मतलब कि जम्मू कश्मीर में शेख साहब ने किस तरह से सरकार चलाई है, फारूक साहब ने किस तरह से सरकार चलाई है, महबूबा मुफ्ती ने किस तरह से सरकार चलाई, उमर अब्दुल्ला ने किस तरह से सरकार चलाई, मतलब आपने वो सब देखा है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सरकार चला रहे हैं, गवर्नर रूल भी यहाँ पर आया। अब ये पूरा का पूरा अगर आप छोटा सा एनालिसिस करना हो मैं बताऊं तो किस तरह से करेंगे? सरकार जितने जो हमने मैंने देखी ना, शेख अब्दुल्ला का पहला दौर हमने नहीं देखा, बाद में का दौर जब आए 75 के बाद जब आए तो चल रहा एडमिनिस्ट्रेशन में था एक खौफ रोबदाब था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की शख्सियत का। उनके बाद उनका बेटा थोड़ी देर के लिए आया तो लेकिन सर इंतज़ामिया ठीक तरह से, बीच में एक दो साल के लिए गुलाम मोहम्मद शाह थे जिसको अपनी जगह पर एक आयरन मैन के तौर पर माना जाता है, एक काबिल तरीन एडमिनिस्ट्रेटर। उस ज़माने में लोगों के बड़े काम हो गए, सेक्रेटरी में बड़ा काम चल रहा था, हर शख्स की जवाबदेही होती थी और बड़ी बेरोजगारी का खात्मा शाह साहब के ज़माने। मैंने ये दौर खुद से देखा कि मैं उनके करीब रहा और उस ज़माने में लोगों की बड़ी राहत हो गई, लोगों के बड़े काम हो गए। और मैं ये बताऊंगा कि हिस्टोरिकल डिसीजन था 12,000 केजवर लेबर्स को गुलाम मोहम्मद शाह ने बैक जो मुझे कलम परमानेंट कर दिया 12,000 लोग। और तब से आज तक कोई 12,000 के 1200 लोग नौकरी नहीं लगे तब से आज तक। उसके बाद एक ज़माने बीच में शाह मुफ्ती मोहम्मद सईद आ गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक सुलझा हुआ सियासतदान था, ज़माने में भी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें खूब चलाया, उनको बड़ा तजुर्बा था सियासत का, वो भी अच्छी तरह चलाई सरकार उन्हें चलाया। उसके बाद हालांकि उसके साथ बीजेपी भी थी, सब लोगों ने हुकूमत की, लेकिन उसके बाद महबूबा जी आ गई। महबूबा जी के आने बाद इंतज़ामिया पर उनकी गिरफ्त कमज़ोर, उसका ये भी वजह हो सकती कि बीजेपी वो कोलिशन सरकार थी या वो खुद कमज़ोर थी, ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि उसके बाद जो जितने भी गवर्नर आए वो हाल सबके सामने। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस समय इस प्रोफेशन को काफ़ी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, किस तरह का मैसेज उनके लिए आप देंगे ताकि टेक ऑफ होकर जो लिखना है लिखिए, जो बोलना है बोलिए, क्योंकि मैं जिस तरह से लिखता आया हूँ उनको आगे आना चाहिए लिखने के लिए, आना चाहिए, डरते क्यों हैं आप? कोई मारेगा ना जम्मू में किस अखबार वाले को मारेंगे? अलबत्ता मुझे एक रोज़ श्रीनगर में मैं एक अखबारी दफ्तर में बैठा था तो एक साहब ने एडिटोरियल लिखा था। आज आप कश्मीर के अखबार को पढ़ते हैं कभी? श्रीनगर प्रेस को देखिए, वहाँ अखबारों का एडिटोरियल देखिए आप। अब सड़कों का हाल उछालना, एक ज़माने में सुना भट्ट साहब के अखबार में आफ्ताब में, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, हाँ बिजली नहीं है, ये भी हाईलाइट करने से अखबार वाले डरते हैं पकड़ा जाएगा। अखबार वाले सेंसरशिप की जद में आ गए, सरकारी सेंसरशिप की जद में। मैं यहाँ अखबार के देखता हूँ, अब मैं कहता हूँ मैं पूरे मुल्क के अखबार देखता हूँ, वहाँ भी यही हाल। आज हिंदुस्तान में बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये तारीख का सबसे बड़ा आंदोलन इसलिए है, अभी तक मुझे लगता है कि अनब्रेकेबल आंदोलन है किसानों का जी। अब इस तरह ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन चल रहा है, खुशी होती है कि एक आंदोलन चलाने में। तो इस आंदोलन की खबरें भी मोहतात तरीके से हिंदुस्तान की नेशनल प्रेस में आती, खुलकर नहीं आती, खुलकर नहीं आती। हमारा यही पैगाम है, जो भी अखबार निकालता है उसको बेबाकी के साथ, मतलब बेखौफी के साथ
आना चाहिए। अभी जो आप मुझसे एक इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें हमने मीठी और कड़वी बातें आपको बताई। अब देखेंगे आपका ये सारा इंटरव्यू अखबार आपके चैनल पर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसको आपको एडिट करने का पड़ेगा कि मैंने कुछ तलख बातें बताई, कुछ कड़वी बातें बताई, कहीं आपके चैनल को पकड़ा जाए, क्योंकि ये बेबाकी को खतरा है। ये यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म जो है ना, उसको खतरा आज लग रहा है। अब ये मुझे नहीं मालूम कब तक चलेगा। और मैंने पहले बताया आपको, जिस मुल्क में पत्रकारी को खतरा है, उसकी इंडिपेंडेंस का जो रोल है पत्रकारी का, वो जो छीना जाता है, तो लोकतंत्र को खतरा खतरा। मैं एक्चुअली जो मैंने मैसेज लिया वो मेरा आखिरी सवाल था, पर फिर एक सवाल मेरा आ गया कि इस बिल्कुल क्या कभी आप पर भी कोई इस तरह का अटैक हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अगर जिस तरह से आपने कहा कि आप बेबाकी के साथ बोलते रहते हैं, बेबाकी के साथ अपनी बात कह जाते हैं, तो कोई बेबाकी आपको भी तो कोई खतरा हुआ होगा। हाँ, बेबाकी की सजा हमको मिली। मैंने बताया पहले भी आपको, बताया कैजुअल गुफ्तगू में 90 अगस्त 90 में मैंने एक मजमून लिखा अखबार में, किसी मिलिटेंट साहब की गुस्ताखियों के बारे में मैंने एक बड़ा मजमून लिखा था, जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। वो आ गए मेरे ऑफिस में, वो लोग बंदूक वाले,